वी आर इन दुबई और हमने यहाँ पर बुक किया है एक एयरबीएनबी। और आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ इस एयरबीएनबी का पूरा एक होम टूर और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी इस एयरबीएनबी को बुक करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरा नाम है शिक्षिका एंड वेलकम टू आवर चैनल इम्परफेक्ट सोल्स। और अभी मैं शुरू करने वाली हूँ ये एयरबीएनबी का होम टूर। ये है हमारी मेन एंट्रेंस, सो चलो अंदर चलते हैं। हेलो, ये हमारी मैम, आप सब लोगों का स्वागत करते हुए। सो जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले इस साइड पर है हमारा पाउडर वॉशरूम, जिसमें बेसिक सा आपका टॉयलेटरीज है, बहुत ही साफ सुथरा और काफी अच्छा डेकोर हुआ हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन। And then when you move forward, this is our foyer area. And इस foyer area की मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो कि ये एक पूरा mirror दिया हुआ है, तो आप जब भी आपने बाहर जाना है तो आप अपने आप को पूरा checkout कर सकते हैं कि आपका makeup ठीक है, आपकी lipstick ठीक है। Best चीज लगी मुझे ये। And then ये है हमारा जो table है, and उसके बाद ये जो owner है उन्होंने ये bowl भी दे रखा है जिसमें आप अपनी keys वगैरह डाल सकते हैं। So I think that is very very thoughtful. And here we have a camel, basically showing Dubai. लगता है कि आप दुबई में आए हो। उसके बाद आगे चले तो इस घर में इस साइड पर है हमारा जो हॉल वाला पूरा एरिया, एंड इस साइड पे है हमारे जो बेडरूम्स है। तो पहले हम हॉल वाले एरिया की तरफ चलते हैं। सो एज यू मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले है हमारा ये बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है वेलकम होम। तो एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि आप अपने घर पर ही आए हैं, बिल्कुल ऐसे होटल वाली फीलिंग नहीं आती है। बहुत अच्छा ऐसे लगता है कि एकदम से ओके यू आर इन दिस लग्जूरियस प्लेस जो कि आपके घर जैसा ही है। एंड उसके बाद ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक घर में होती है, विच इज़ किचन। सो इस बार हम दुबई आए हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो हमारे पेरेंट्स भी हैं एंड हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है 2 ईयर ओल्ड, जिसको आपने अभी भी देखा था, इसरत। सो जब आप पेरेंट्स या बच्चों के साथ आते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो बाहर का खाना नहीं खा पाते। सो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारे पास एक अपनी किचन हो जिसमें कभी भी हमें लगे तो हम अपना थोड़ा बहुत कुछ कुक कर सकें। एंड स्पेशली इसरत के लिए अगर हमें कुछ भी बना कर लेके जाना है फॉर द होल डे तो हम वो ईजिली कर सकें। तो इसीलिए हमने ये वाला जो एयरबीएनबी बुक किया, क्योंकि इसमें जो किचन थी दैट इज़ फुली इक्विप्ड। सो यू कैन सी यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रिज है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा फ्रिज है। एंड बहुत अच्छी बात लगी मुझे, उन्होंने एक मतलब बॉटल पूरा मिल्क का भी दिया है, विच इज़ वेरी थॉटफुल। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास फ्रिज है। देन इधर आएंगे आप तो यहाँ पर ये हमारा पूरा एक डेस्क है जहाँ पर हमारी कॉफ़ी मशीन है, पानी गर्म करने के लिए हमारी ये केटल है, एंड देन वी ऑल्सो हैव अ टोस्टर। ऊपर जाएंगे तो वी हैव ऑल द नेसेसिटी थिंग्स जो कि खाना खाने के लिए आपको चाहिए, ऑल द थिंग्स आर देयर। ऐसे ही नीचे यहाँ पर हमारी पूरी सारी जो है कटलरी भी है, दिस इज ऑल द कटलरी दैट वी हैव। एंड कुछ आपको बनाना है खाना, उसके बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। देन आगे चलते हैं, ये हो गई हमारी हॉब। तो ये प्रॉपर हमारी गैस वाली हॉब है, एंड नीचे आपका इतना बड़ा इतना बड़ा ओवन है, एंड यू हैव ऑल द चिमनी। एंड जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं खाना बनाने के लिए, जैसे ऑयल, सॉल्ट, पेपर, ये सब चीज़ें भी सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ये रहा हमारा माइक्रोवेव, एंड दिस इज योर प्लेस जहाँ पर आप डिशेस वगैरह धो सकते हो। आपके पास पूरी सप्लाईज, एक्स्ट्रा सप्लाईज दी गई हैं ताकि कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। सो ये है हमारी जो पूरी किचन है। उसके बाद गाइस ड्रम रोल प्लीज, ये है हमारा हॉल। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, मैं तो लाइक आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद दिस प्लेस। आई मीन द कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग इज सो गुड। किसका मन करेगा घूमने जाने का जब घर ही इतना ज्यादा सुंदर होगा। तो सो मैंने बहुत सारी फोटोज, ऑब्वियसली फोटोज देखी थी, फोटोज देखकर ही मैंने इस एयरबीएनबी को बुक किया था। बट जब आप फोटोज देखते हो और उसके बाद आप एक्चुअल जगह पर जाते हो और आप देखते हो कि अरे जगह तो फोटोज से ही ज्यादा खूबसूरत है, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई एम लविंग दिस चेयर। आप आ गए, वो देखो, हेलो बोल दो। हेलो हेलो, कहाँ पर आए हो आप? चाची कुल दुबई। बोलो आई मीन दुबई दुबई। तो आगे बढ़े तो ये है हमारा
डाइनिंग एरिया प्रॉपर पूरा, मतलब ये राउंड टेबल है एंड हमारे पास है 6 सीटर डाइनिंग एरिया। और इसमें जो चेयर्स हैं यार, कम ऑन लुक एट द स्टाइल, मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी जब हम अपना घर बनाएंगे तो वी विल श्योरली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल द डेकोर विच इज देयर इन दिस हाउस। बहुत सुंदर से फूल जो कि एकदम चार चांद लगा रहे हैं। कर्टन्स की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जो एकदम शेयर वाले कर्टन्स एंड देन यू हैव दीज कर्टन्स एज वेल। उसके बाद अब हम चलते हैं बालकनी में। ये जो एक बालकनी है ये हमारी कनेक्टेड है हॉल और डाइनिंग रूम के साथ। सो दिस इज वॉट द बालकनी इज। तो गाइज ये जो एयरबीएनबी है दिस इज ऑन 25th फ्लोर, जिसकी वजह से जो पीछे का नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। एंड वैसे तो इस बालकनी से बुर्ज खलीफा भी दिखता है, पर वो मैं आपको दूसरी बालकनी से दिखाऊंगी। बट द होल व्यू इज जस्ट अमेजिंग। लेट मी शो देम। चलो चलो कंटिन्यू। सो गाइज अब हमने इस साइड का घर देख लिया, अब हम पीछे जो है बेडरूम देखने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, स्टार्टिंग विद अ फुल साइज मिरर टू चेक योर आउटफिट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये है हमारा कोजी कंफर्टेबल बेड। ये हमारे पास पूरी वार्डरोब्स भी दी हुई हैं प्रॉपरली। एंड इस साइड पर जैसे ही आप सुबह उठोगे यू विल हैव द एंटायर व्यू ऑफ द लेक। तो आपकी जैसे ही आंख खुलेगी आप सामने देखोगे इतनी सुंदर सी प्यारी सी लेक। तो आई थिंक आपका सुबह सुबह ही मूड बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। चलो नेक्स्ट रूम में। सो उस रूम के साथ है हमारा ये वाला वॉशरूम, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा वॉशरूम है ये। सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल, वी हैव ऑल दीज टॉयलेटरीज एंड एवरीथिंग। उसके बाद इस साइड पर है ये है स्टोर रूम, आप देख सकते हैं हमारा पूरा सामान यहाँ पर आ गया है। सो काफी स्पेशियस है। अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर 2 में जो कि है इस साइड। सो दिस इज आवर नेक्स्ट बेडरूम, बहुत ही खूबसूरत सा। पहले तो इस पे फोकस जाना चाहिए जो कि हमारा झूमर है, झूमर नहीं आई वुड से लाइट फिक्स्चर है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसमें ये जो गुम्बद बने हुए हैं ना ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअल में मुझे दुबई वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। गाइज मैं थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस साइड पर है हमारे ये जो पूरी वार्डरोब्स हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्पेस दी गई है एंड ये पूरी एक वार्डरोब दी गई है जहाँ पर आप अपना जो जितने भी कपड़े हैं वो सब यहाँ पर टांग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एंड इस रूम के साथ ये है हमारी पूरी बड़ी सी विंडो एंड यहाँ से आई ये विंडो खोल सकते हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहूंगी मैं। एंड ये है हमारे मैचिंग कर्टन साथ में, पूरा का पूरा जो रूम है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है गाइस, लव इट। इस रूम का जो वॉशरूम है वो है सामने। उससे पहले ये वाली जगह दिखा देती हूँ मैं। ये वैसे तो देखने में लगता है कि एक अलमारी है बट वंस यू ओपन इट यू विल सी कि यहाँ पर हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो है, ऊपर हमें आयरन भी दे रखी है एंड ये पूरा आई थिंक गर्म पानी का यूनिट है जो वॉशिंग मशीन के साथ होपफुली कनेक्टेड होगा। तो उस रूम के साथ का वॉशरूम है यहाँ पर सामने, दिस इज द वॉशरूम। ये एक बहुत ही बड़ा सा मिरर जहाँ पर आप आराम से, जिसकी एक्चुअली लाइटिंग बहुत अच्छी है तो आप आराम से यहाँ पर मेकअप कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर जगह दी गई है। एंड ये आपका कमोड और ये हो गया आपका शावर एरिया। एक चीज जो मैं दिखाना चाहूंगी, प्रॉपर ये आपको टॉयलेटरीज दी गई है, बॉडी वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, यू हैव एवरीथिंग हियर एंड टॉवल्स, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जाने वाले हैं सबसे खूबसूरत रूम में विच इज द मास्टर बेडरूम। ऑब्वियसली इट इज द मास्टर बेडरूम, सो लेट्स गो इन। सबसे पहले तो वंस यू एंटर जस्ट लुक एट द स्पेस, दिस इज सच अ ह्यूज स्पेस। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी सारी जगह है यहाँ पर। प्रॉपर हमारा जो किंग साइज बेड लगा हुआ है प्रॉपर साइड टेबल्स के साथ एंड ए पेंटिंग, गाइस लुक एट दिस पेंटिंग, द बेड एंड द पेंटिंग ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड अगेन वी हैव अ लाइट फिक्स्चर जो कि बहुत ही ज्यादा, अगेन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड फॉर मी जो हाईलाइट है इस रूम का वो है ये वैनिटी।
आई मीन आई थिंक इट्स एवरी गर्ल्स ड्रीम टू हैव सच काइंड ऑफ वैनिटी, जो इतना बड़ा मिरर हो एंड यू हैव ऑल दीज लाइट्स एंड यू कैन सिट हियर, यू कैन डू योर मेकअप. आई मीन दिस इज ये मतलब ये प्रॉपर दिया गया है, यहाँ पर आप बैठे और यहाँ पर आप अच्छे से तैयार हुए. ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक चीज पे ना बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे से सोच के एक एक चीज लगाई गई है. रूम इधर है, वार्डरोब्स किधर है? वार्डरोब्स का अलग एरिया है यार. यहाँ पर यू हैव दिस एंटायर वार्डरोब एंड देन दिस ये जो बड़ी वाली वार्डरोब है और ये बहुत सारे हैंगर्स दिए गए हैं सब रूम्स के, लग रहा है सारे हैंगर्स यही लगा दिए हैं. उसके बाद आता है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, जो कि गाइस लुक, वी हैव अ बाथ टब, आई मीन वाओ, विद डबल सिंक. एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है डबल सिंक, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पर इतनी जगह ही नहीं होती है कि आप डबल सिंक लगा सको, ना हमारे घर में ना बहुत सारे होटल्स में भी इतनी जगह नहीं होती है. एंड यहाँ पर मास्टर बेडरूम में है डबल सिंक एंड हियर यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस करने के लिए यू हैव द कमोड. एंड दुबई में गाइस यू डू गेट दिस जेट, तो दुबई में ऐसी कोई इशू नहीं है. इसके बाद एक लास्ट चीज जो मैं आपको बहुत बुरे से बोल रही हूँ, बालकनी. तो एक जो बहुत बड़ी वाली बालकनी है इस रूम के साथ अटैच्ड है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव, ये है हमारी बालकनी जिससे नज़ारा ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. So guys, I can already imagine myself sitting on this chair in the morning and enjoying a cup of tea. क्योंकि यहाँ से नज़ारा तो है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत. वहाँ पे बुर्ज खलीफा में लाइटिंग चल रही है. And now you can see the Burj Khalifa also from our balcony. I mean, how amazing is this, guys? So guys, ये अपार्टमेंट हमने बुक किया था Airbnb की ऑफिशियल वेबसाइट से ही. जो चेक इन प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था. चेक इन से पहले हमें सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो व्हाट्सएप पे आ गई थी एंड वी हैव जस्ट कम हेयर, फॉलोड द इंस्ट्रक्शन. हार्डली 5 मिनट लगे हमें, सब बस सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे एंड देन यू कैन सिंपली कम हेयर. सेल्फ चेक इन है यहाँ पर. जो इस एयरबीएनबी का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन श्योरली चेक इट आउट. मेरे तो सच बताऊं कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये घर. एंड इनफैक्ट हमारे पूरे जो जितने भी घर वाले हैं उन सबको ये घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, इसीलिए मुझे लगा कि ये जो एयरबीएनबी एक स्पेशल वीडियो डिजर्व करता है. छोटी सी वीडियो बनेगी बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. एंड इफ आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं या फ्रेंड्स भी आ रहे हैं साथ में, आप 5-6 लोग हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर होटल्स आई वुड सजेस्ट कि आप एक एयरबीएनबी बुक करें. वी होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू डू प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली है दुबई की पूरी सीरीज जिसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी हुई है. सो मेक श्योर कि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें. डू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो ऑल योर सजेशंस एंड टेल मी कि कोई अगर स्पेसिफिक जगह है जिसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं. See you next time. Bye-bye.